जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 37। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनाम अपि अहम् व्यासः कवीनाम उशना कविः। ओम। गीताचार्य श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग ना विभूति योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहे अर्जुन, वृष्णि या यादों का वंशजो मम वासुदेव हूँ, पांडव मम अर्जुन हूँ, महर्षियों मम व्यास हूँ और ऋषियों मम शुक्राचार्य हूँ। श्रीमन नारायण ने सीधा तौर पर यादव वंश में वासुदेव का रूप में उतार लिया। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि वो ही वासुदेव है, वो ही श्रीमन नारायण है और वासुदेव का रूप में अवतरित हुआ है। अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा का अंतरंग भक्त है और अर्जुन इतना भाग्यशाली भी है कि उन्होंने श्री कृष्ण परमात्मा से गीता प्राप्त हुई जो सभी उपनिषदों का सार है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वही अर्जुन है और वो उस अर्जुन में अपनो तत्व ऊंचो रख्या है। व्यास महर्षि ने वेदों को खंडों में विभाजित किया जो श्रीमन नारायण को संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहा है और साथ ही व्यास ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य और किंवदंतियाँ प्रदान किया जो उन वेदों की आसान समझ के लिए उपयोगी है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वही व्यास महर्षि है और वो उस व्यास में अपनो तत्व ऊँचो रख्या है। शुक्राचार्य एक बहुत ही विद्वान ऋषि था जो नीति शास्त्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वही शुक्राचार्य है और वो अपनो तत्व उस शुक्राचार्य में उच्च रख्या है। आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षा ने याद रखा। जब भी मैं वासुदेव को नाम सुना तो माना पहचान लेवा कि श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं वासुदेव है। जब भी मैं अर्जुन व्यास और शुक्राचार्य को नाम सुना तो आओ मैं उन्नामा श्री कृष्ण परमात्मा की उन चिंगारी न पहचाना। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण का प्रति समर्पण करके अपना जीवन न सार्थक बनाने को प्रयास करता हुआ आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का शब्द न श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करा। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनामपि अहम् व्यासः कवीनाम वुशना कविः श्रीमन्नारायणा करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्भगवद्गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा मन वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन कर मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद्गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा करिषे वचनम त्व जी को अर्थ कृष्ण मैं बया ही करूँगा जया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन ने सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करा। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ कोनी जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपना दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरे न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन्नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहले वचन हे श्रीमन्नारायण जया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा
और थारा बारा में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन हे श्रीमन नारायण, जैया थे सलाह दिया मां हमेशा थारो भक्त रहूंगा। मारो तीसरो वचन हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूंगा। मारो चौथो वचन हे श्रीमन नारायण, जैया थे अनुसरण करना बोला था, मने पूरो विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूंगा। मारो पांचो वचन हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा, जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था, श्रीमन नारायण मैं केवल थाना समर्पण करूंगा। अरे छठो वचन हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माँ सुचाहा याद आवा, थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातो वचन हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो, मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनना को वादो करूं। मारो आठो वचन हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो, गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूंगा, जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने आठ वचन दिया हाँ, मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। वृष्णि नाम वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनां अपि अहं व्यासः, कवीनां उशना कविः। ॐ वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामपि अहं व्यासः, कवीनां उशना कविः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव, सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सब भक्ता से विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ों से तुरंत और सफल परिणाम चाहवा। इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज एक मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्त्रोत को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्त्रोत को प्राप्त करने के लिए नारायण स्त्रोत वेबसाइट पर जाओ, जो कि www.narayanstrot.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्त्रोत PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्त्रोत कहो जावा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्त्रोत को पाठ पढ़े या सुने, तो संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्त्रोत की पारायण की 24 माला रोज पूरी होगा। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन अहियाँ करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्त्रोत प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।